हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एसटीईटी 2019 अभ्यर्थी को नियुक्त करने की मांग, मोतिहारी का न्यूज़पेपर ये है। और अभ्यर्थियों ने जो एसटीईटी 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री के बयान पर आपत्ति जताया है, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि सातवें चरण, मतलब एसटीईटी 2019 को सातवें चरण का नाम दिया था, तो इससे अभ्यर्थियों में अभ्यर्थियों को इससे आपत्ति है। और उन लोगों का कहना है कि जो एसटीईटी 2019 हुआ था, इसको सातवें और छठे चरण से कोई लेना देना नहीं है, यह एक फ्रेश बहाली की प्रक्रिया है, जैसा कि इसके विज्ञापन में ही वर्णित है। अभ्यर्थियों के अनुसार इस बहाली को सातवें चरण का नाम देना अभ्यर्थियों को गुमराह करने के समान है। शिक्षक बहाली मोर्चा के जिला अध्यक्ष रणधीर कुमार ने शिक्षा मंत्री से अनुरोध किया है कि विज्ञापन के अनुसार ही बहाली प्रक्रिया को अविलंब आगे बढ़ाए। तो इन लोगों का, अभ्यर्थियों का ऐसा कहना है कि जो विज्ञापन में था, उसी के अनुसार जो बहाली की प्रक्रिया है, उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बिहार के बहुत सारे पंचायतों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय खुल गया है, बहुत सारे मिडिल स्कूल को उत्क्रमित करके हाई स्कूल बना दिया गया है, लेकिन विद्यालय तो खुल गए हैं, लेकिन उसमें पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है। तो और साथ ही इनका समर्थन बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया है, जो इसमें से है शिक्षक अभ्यर्थी जिलाध्यक्ष है प्रशांत कुमार यादव मोतिहारी के, विजय कुमार, सिद्धांत गुप्ता, मुमताज अंसारी, अभिमन्यु आलोक, नवल यादव आदि ने सीएमओ और शिक्षा मंत्री से अविलंब एसटीईटी 2019 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने की मांग की है। और इन लोगों की मांग है कि अविलंब इन लोगों का नियोजन जो है वो किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षक शिक्षा से रिलेटेड तमाम तरह की न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।